कराची में धरनों और एहतजाज का मौसम, कोई पानी ना मिलने पर मुश्किल, कोई के इलेक्ट्रिक पर बरहम। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना, पानी की किल्लत पर तरीके इंसाफ का क्लिफ्टन में एहतजाज, MQM का वाटर बोर्ड के सामने मुजाहरा, मसाइल के हल के लिए PSP का प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी। जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सरापा एहतजाज, के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर धरना, कारकुनों के दफ्तर में घुसने की कोशिश, रहनुमाओं ने रोक दिया, मुजाहरीन की शदीद नारेबाजी, पुलिस की इजाफी नफरी तलब, कारकुनों ने एहतजाजी कैंप में भैंसें भी बांध दी। कराची में पानी की किल्लत पर तहरीके इंसाफ का एहतजाज, कारकुन क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड दफ्तर में घुस गए, आरिफ अलवी ने SHO को गिरेबान से पकड़ लिया। उधर न्यू कराची और नॉर्थ कराची से मुंतखब MQM के अराकीन असेंबली का वाटर बोर्ड दफ्तर पर धरना, कई UC चेयरमैन भी मौजूद। राहील शरीफ के मुतालिक गवर्नर सिंह का बयान, मुखालिफों की तनकीद तो अपने भी हैरान। खुर्शीद शाह कहते हैं हम जनरल राहील शरीफ और हुकूमत की वजह से कायम हुआ। मौला बख्शानियों ने कहा गवर्नर जुबैर जनरल राहील के दौर में बयान देते तो बात थी। साद रफी कहते हैं जनरल राहील शरीफ ने बहुत जाफशानी से क्यादत संभाली। कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का कोई सिपह सलार ईरान के खिलाफ किसी फौज को इस्तेमाल करे? मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नासिर जंजुआ कहते हैं कराची में अम बड़ा चैलेंज था, शहर में जुराइम की वारदातें महाना सैकड़ों से कम होकर 7 रह गई, कोयटा और पिशावर में भी खौफ के साए ढल गए। Tonight I ordered military strike in Syria from where? अमेरिका के शाम के खिलाफ पहली फौजी कार्रवाई, 70 क्रूज मिसाइल दाग कर हद का हवाई अड्डा तबाह कर दिया, 6 शामी फौजी हलाक, हमले पर रूस की मजम्मत, एयर सेफ्टी माहदा मअतल कर दिया, बशार अल असद ने हमले को हमाकत करार दिया, ईरान की भी तनकीद, जर्मनी तुर्की सऊदी अरब शामी बागियों का खैर मकदम। कप्तान का सिर्फ पैनामा की पिच पर ध्यान, पैनामा केस का फैसला मुल्क बदल देगा, इमरान खान का बिजनेस समिट से खिताब में ऐलान, कहा उम्मीद है फैसला आइंदा हफ्ते आ जाएगा। गवर्नर सिंह का बयान बेवकूफाना है, राहील शरीफ ने दहशतगर्दी का कला कमा किया, मुस्लिम फौजी इतिहाद में शामिल नहीं होना चाहिए। चौधरी निसार का नाम लिए बगैर PTI पर वार, कहा नए पाकिस्तान के दावेदारों के इर्द गिर्द मुशर्रफ की वर्दी का दम भरने वाले लोग हैं, कुछ लोगों ने इख्तदार में रहने के बावजूद आवाम के लिए कुछ नहीं किया, साबिक हुकूमत में हर रोज करप्शन का नया केस सामने आता था, नून लीग ने बहुत सी बीमारियों की तशखीस और इलाज किया। वो बनिया हमें कहता है कि मैं पानी बंद कर दूंगा, ये पाकिस्तान के लिए बनाया गया है। पंजाब के बाद बलोचिस्तान की बारी, पीपल्स पार्टी को मुतहरिक करने के लिए कोशां आसिफ जरदारी कहते हैं बलोच आवाम गुमराह लोगों के हाथों इस्तेमाल ना हो, हुकूमत नहीं समझती कि CPAC सबके लिए है, भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता, मुतबादल रास्ते ढूंढ रखे हैं, साबिक सदर की जाफराबाद में खूब आवभगत। MQM की एक और पतंग कट गई, इर्तिज़ा फारूकी भी कमाल के हो गए, मुस्तफा कमाल कहते हैं आधे कराची में पानी की लाइनें नहीं, शहर के लिए पानी का नया कोटा जारी किया जाए, फिलहाल कराची की बात कर रहे हैं, इसके बाद तमाम सूबों के हुकूक की जिद्दोजहद करेंगे। इमाम काबा साले बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम का नौशहरा में JUI के यौम तासीस पर खुतबा जुमा, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत, इमाम काबा कहते हैं इस्लाम अमन और मोहब्बत का दीन है, उलमाए कराम इत्तफाक व इत्तेहाद की दावत दें, सऊदी वजीर मजहबी अमूर साले बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान इस्लामी ताकत और इत्तेहाद से वाकिफ है।
तहवन धमाके के दो सहूलतकारों को शनाख्त कर दिया गया। खुदकुश हमलावर की शनाख्त में मदद देने वाले के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। 38 कैमरों की मदद से खुदकुश हमलावर और सहूलतकार को शनाख्त किया। एडिशनल आईजी सीटीडी सनाउल्ला अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले मामला मैच फिक्सिंग का हुआ करता था, अब स्पॉट फिक्सिंग का है। साबिक चेयरमैन पीसीबी तौकीर ज़िया का कहना है, मैच फिक्सिंग में दो चार लोग हुआ करते थे, स्पॉट फिक्सिंग में लोगों को ढूंढना मुश्किल है। हमें शर्जील और खालिद का मैंडेट दिया गया, शाहजेब ने ट्रिब्यूनल जाने का फैसला किया, कोई इंसाफ कर सका तो जरूर करूंगा। टी20 के बाद अब वनडे का मैदान, सरफराज पहले फॉर्मेट में सरफराज, अब नया इम्तिहान, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पहला एक रोजा मैच जारी। पाकिस्तान की पहले बैटिंग, ओपनर्स का उम्दा खेल, कामरान अकमल 47 रन, अहमद शहजाद शानदार 67 रन बनाकर आउट हुए, शादाब खान के डेब्यू। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में मुश्तबा शख्स ने ट्रक हजूम पर चढ़ा दिया, 3 अफराद हलाक, ट्रक हमले में 8 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस जायवकुआ पर पहुंच गई, इलाके को सील कर दिया गया, ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी। ब्रिटिश वजीर आजम के मुताबिक हमला दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है। रोजाना 92 न्यूज के आने का वक्त करीब आ गया। अखबार फरोशों के एजाज में शानदार तकरीब, लाहौर में होने वाली तकरीब में कुरानदाजी के जरिए अखबार फरोशों में मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन और गिफ्ट हैम्पर्स की तकसीम। तकरीब में कॉमेडियंस और गुलकारों ने समा बांध दिया। अप्रैल के महीने में दिसंबर के मजे, मलका कोहसार में 35 साल बाद अप्रैल में बर्फबारी, सयाहों पर सहर तारी। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, रावलपिंडी में खराब मौसम के बायस परवाजों का शेड्यूल मुतासिर, चित्राल में बर्फानी तोड़ा गिरने से 2 अफराद दब गए। चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और अमरीकी लड़की ने चिश्तियाँ के अल्लाह दत्ता को पाकिस्तान का शाहरुख बना दिया। यास्मीन फेसबुक दोस्ती की डोर में बंधी पाकिस्तान पहुंची, दोनों रिश्ता इस दबाव में बंद कर बहुत खुश।